नमस्कार दोस्तों, बहुत बार लोग जानने की कोशिश करते हैं, जानना चाहते हैं, मेरे से फोन भी करते हैं इसके लिए। मरीज भी क्लिनिक में आके ये बात पूछते हैं कि सर, फ्रैक्चर में, क्रैक में, हेयर लाइन फ्रैक्चर में क्या अंतर है। तो अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा, और अगर आप हेल्थ के बारे में, हड्डियों के स्वास्थ्य के बारे में, फ्रैक्चर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एंटरप्रेन्योर, सोशल एक्टिविस्ट एंड चेयरमैन ऑफ श्री साईं ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल। आई एम प्राउड फादर ऑफ टू सन एंड हस्बैंड ऑफ अ लवली वुमन। ये बहुत ही जेन्युइन सवाल बहुत लोगों का रहता है, और इसके बारे में, डिफरेंस के बारे में आप जानना चाहते हैं तो अंत तक हमारे वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको हर चीजें पता चलेगी। एक्चुअली होता क्या है कि फ्रैक्चर क्या होता है, ये पहले समझना जरूरी है। फ्रैक्चर इज ब्रीच इन कंटिन्यूटी ऑफ बोन। हड्डी जो है, हड्डी तो सीधा है, उसके बीच में कहीं गैप आ गया, किसी तरह से उसकी कंटिन्यूटी में एक गैप आ गया, इसी को फ्रैक्चर बोलते हैं। और फ्रैक्चर अगर देखा जाए तो टूटा हड्डी तो एक हो सकता है कि टूट के बिल्कुल वहीं पे जगह है, ब्रिज तो हो गया, उसकी कंटिन्यूटी में तो ब्रेक हो गई, लेकिन टूट के अगर वहीं पे है तो ऐसे फ्रैक्चर को अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर बोलते हैं, जो जगह से हिला नहीं है। टूट तो गया है लेकिन जगह से हिला नहीं है, और इसी को क्रैक बोलते हैं। क्रैक और फ्रैक्चर दोनों ऐसा नहीं है कि अलग अलग चीजें नहीं है, लेकिन फ्रैक्चर का ही एक रूप है क्रैक, जिसमें हड्डी दूर दूर नहीं गया है। आम भाषा में अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर को मेडिकली हम लोग अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर बोलते हैं, लेकिन आम भाषा में उसको लोग बोलते हैं क्रैक हो गया है। और कितना बार मरीज को ये मिसकंसेप्शन रहता है, क्रैक माने टूटा नहीं है। क्रैक माने भी टूटा ही है, लेकिन एक ऐसा टूटा है जिसमें टूट के हड्डी अलग नहीं हुआ है, और इसमें भी इलाज करना पड़ता है, कभी कभी जरूरत पड़ता है तो प्लास्टर करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे क्रैक है, लेकिन फिर भी उसको ऑपरेट करना, चाहे उसको फिक्स करना बहुत जरूरी होता है। खास करके अगर फ्रैक्चर नेक फ्रेमर है, जो जांघ की हड्डी, जो ऊपर गोला के पास हड्डी टूटा रहता है, तो उसमें क्रैक भी रहेगा तो ऑपरेट करना पड़ता है। दूसरा एक स्कैफोइड फ्रैक्चर है। ऐसे कुछ कुछ जगह हैं जहां क्रैक होने के बाद से भी ऑपरेट करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन अधिकतर समय जो क्रैक फ्रैक्चर रहता है वो प्लास्टर लगाने से ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं क्रैक फ्रैक्चर को कुछ नहीं करना है, क्रैक मैंने हुआ है यानी कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल गलत बात है। क्रैक भी टूटा हुआ है, लेकिन एक ऐसा टूटा हुआ जहां टूट के वो अलग नहीं हुआ है। और फ्रैक्चर आम भाषा में, ऐसे तो क्रैक भी एक तरह का फ्रैक्चर ही है, लेकिन फ्रैक्चर आम भाषा में जो लोग समझते हैं, फ्रैक्चर मीन्स टूट के जो अलग हो गया है। ऐसे में डॉक्टर के पास जाना बिल्कुल जरूरी रहता है, उसको इलाज तो ये रहता है, अगर अलग अलग हो गया तो उसको जो भी तरीका से, या तो प्लास्टर लगा के, या बेहोश करके खींच के, या फिर ऑपरेट करके, प्लेट लगा के, स्क्रू करके, उसको हड्डी को जगह पे लाते हैं और एक जगह पे रखते हैं, और इससे वो हड्डी जुड़ती है। एक चीज और बार बार लोग मुझसे पूछते हैं, हेयर लाइन फ्रैक्चर क्या है। हेयर जैसे बाल हमारे रहते हैं, बाल के जैसा फ्रैक्चर, ऐसा फ्रैक्चर जो एक तरह से कहा जाए तो क्रैक ही है, टूट के अलग नहीं हुआ है, लेकिन वो कितना बार ऐसा होता है कि वो हड्डी टूटा हुआ है लेकिन समझ में नहीं आता, कितना बार एक्सरे करने से भी नहीं समझ में आता है। शुरू शुरू में बहुत सारे जो डॉक्टर हैं उनसे भी ये मिस हो जाता है, और ये क्रैक फ्रैक्चर हो सकता है कि एक महीना बाद, दो महीना बाद, जब हड्डी या तो जुड़ने लगे तब पता चलता है, या किसी कारण से वो क्रैक फ्रैक्चर था और आपने उसको ध्यान नहीं दिया, उस पर चल दिया, उस पर जोर दे दिया और हड्डी अलग हो गई यानी खराब हो गया, तब आपको पता चलता है। और हेयर लाइन फ्रैक्चर बहुत बार शुरू शुरू में अगर बारीक से देखे, आजकल तो डिजिटल एक्सरे का जमाना है, डिजिटल एक्सरे से समझ में आता है, लेकिन कितना बार ऐसा भी होता है कि डिजिटल एक्सरे से भी नहीं समझ में आता, और उसका डायग्नोसिस अगर उसको, अगर एज ए डॉक्टर मुझे कैसे समझ में आता है कि हेयर लाइन फ्रैक्चर है, तो वो समझ में आता है अपने क्लिनिकल जजमेंट से, अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि वहां से समझ में आ जाता है कि भाई ये हड्डी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे सूजन है, इसका मतलब जो ये हड्डी है यहाँ पे हल्का क्रैक हुआ है, इसी को हेयर लाइन फ्रैक्चर करते हैं। हमें आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इसमें जरूर कमेंट करिए आपको क्या पसंद आया, और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।